नमस्कार, मी अनंत कौसाडे। तर आज आपलं हे तिसरं लेक्चर सर जी कशाच आपल्या भौतिक शास्त्राच्या म्हणजे सर फिजिक्सच्या पेपराच। तर आज आपण आजचं लेक्चर सॉल्व्ह करू, आजचा आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू। ओके, क्लियर आहे ना? अरे हा या ना। हा सर जी, यहाँ पे हमारे तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, नहीं जी इस पेपर का। ओके, तो तीसरा लेक्चर में सर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे सर। नो, यस सर जी, यस सर। क्या पढ़े सर? क्वेश्चन पढ़ेंगे इज द थ्री लेक्चर ऑफ पेपर एनालिसिस। हम इस लेक्चर में अप टू टू क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर है ना? क्लियर सर। पिछले लेक्चर में ओनली ओनली वन क्वेश्चन ही हुआ। ओके, इसलिए लंबा लेक्चर आज होगा। ओके सर, नो यस सर। किमान 10 मिनट सर, नो यस सर। तो यहाँ पे हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भौतिक विज्ञान का, हमारे पेपर का चौथा प्रश्न। ओके, और फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवा, सर नो यस सर, यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पे वो आपको मैथमेटिक आना पड़ेगा, तभी आपको भौतिक विज्ञान समझ में आएगा। मैथमेटिक नहीं आया तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, आपला सर खूब अभ्यास करावा लागल, तेव्हा सर आपला मैथमेटिक जर आलं तर आपला भौतिक शास्त्र कळतं, असं कळत नाही। ओके, आणि भौतिक शास्त्र सर अजिबात घाबरण्याचा विषय नाही। ज्या व्यक्ती, जो मुलगा अभ्यास करतो सर जी, त्या व्यक्तीला अजिबात, त्या मुलाला अजिबात हा विषय हार्ड अजिबात नाही, खूप सोपा प्रकारचा हा विषय। आपण त्याला हार्ड मानतो सर जी, परंतु सर हा फक्त फक्त उंगलीवरचाच खेळ। ओके, फक्त फक्त बोटावर आपला सर फिजिक्स सॉल्व करता येत, परंतु सर त्याला आपण की प्रॅक्टिस केली पाहिजे, इतकं सर आपला अभ्यास झाला पाहिजे, तेव्हा सर जे आपला भौतिक शास्त्र फक्त आणि फक्त सर हातावरच मोजता येतं किंवा हातावर सॉल्व्ह करता येतं। कितीही मोठं कॅल्क्युलेशन जरी आलं गडे, आपल्या फक्त आणि फक्त माइंड मध्ये जर असलं गडे की आपला सॉल्व्ह करायचंय, कॉन्फिडन्स जर असला आपला मॅथमॅटिक्सचा आणि फिजिक्सचा मिक्सचा 100% आपला, कोणतंही क्वेश्चन सर भौतिक शास्त्र म्हटलं सॉल्व्ह होणार म्हणजे सॉल्व्ह होणारच। क्लिअर आहे ना? क्लिअर सर। तो यहाँ पे हम काय करेंगे, क्या करेंगे सर, काय करेंगे? हम करेंगे भाकरी खाएंगे। भाकरी नहीं खाएंगे सर, हम भाकरी खा के आए। ओके, हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिर भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि अ पार्टिकल एक्टेड ओपन द कॉन्स्टेंट फोर्स, हमको दिए फोर्स इतनी। ओके, फिजिकल यहाँ पे दिया हम कितना सर, या फिजिकल हमको दिया है कितना, हमको दिया है सर फोर आई प्लस जे और नो यस सर माइनस 3K। ओके, और फिर हमको दूसरी फोर दिए थ्री आई प्लस जे माइनस के। क्लियर? ओके सर जी, ओके। और हमको डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट आई प्लस टू जे प्लस 3K 2.5 आई प्लस 4J प्लस के, द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स हिम, आपला काढायचं एस आय युनिट मध्ये काढायचं। कसं काढायचं आपलं एस आय, व्हाट इज एस आय युनिट? एस आय का म्हटलं होत आहे क्या, बट सिस्टम ऑफ इंटरनॅशनल, दे कॉल्ड एस आय युनिट। क्लिअर ना? सिस्टम ऑफ इंटरनॅशनल, दे कॉल्ड एस आय। क्लिअर ना? इसका हम आंसर निकालेंगे। ओके, हमको यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या दिया, एस इज इक्वल टू हमको दिया बुआ जी कितना, कितना दिया था कि 5i प्लस 4j पुनः का सर के नंतर सर जी i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ पे हमको इतना क्वेश्चन में पूछा है, सॉरी हमको इतना क्वेश्चन में दिया है, हमको पूछा क्या है, हमको जी यहाँ पे वर्क डन है जूल में निकालना है, हमको ये पूछा है। क्लियर है ना? हमको डब्ल्यू यहाँ पे पूछा है, क्या पूछा है डब्ल्यू यहाँ पे हमको पूछा है, तो हम क्या करेंगे सर इससे, क्या करेंगे, माइनस नहीं करेंगे बुआ जी, फोर्स हम यहाँ पे प्लस करेंगे फोर। ये कोई ही इक्वेशन, और ही इक्वेशन यहाँ पे हम एक असे का मिक्स करणार आहोत, याला आपण एकामध्ये ऍड करणार आहोत, तर या दोघांना आपण एकामधून सबस्ट्रॅक्ट करणार आहोत। तर क्लिअर आहे ना? क्लिअर सर। तो करेंगे यहाँ पे देअर फोर, यहाँ पे लिखे देअर फोर, फोर प्लस थ्री कितना यहाँ पे 7 और नो आय, इथं का प्लस माइनस कितना आएगा यहाँ पे सर, आएगा 2j माइनस कितना सर जी यहाँ पे आएगा 4k। क्लियर ना? क्लियर सर जी, क्लियर। एक आ गया, अब यहाँ पे करेंगे हम माइनस, सीधा माइनस करेंगे। ओके,
वन माइनस फाइव इसका आंसर आएगा फोर आर, तो इतना आएगा टू जे, दोन कडून दोन गेलं दोन तर आलं माइनस, या फिर आएगा टू के, क्लियर ना? अरे हाँ या ना, हाँ सर जी प्लस आएगा, ओके समझ में आती बात आप इसे, देयर फोर यहाँ पे। अब इसका हम क्या करेंगे बॉयज की, हम शादी झुलाएंगे और नो, फिर हम शादी में जाएंगे, फिर हम लड्डू खाएंगे। देयर फोर मैथमेटिक पढ़ दिया करो यहाँ पे, सेवन इंटू फोर प्लस कितना सर जी, टू इंटू टू प्लस फोर इंटू टू, अरे हाँ ये ना, हाँ सर देयर फोर अट्ठावीस प्लस चार प्लस एट कितना, थर्टी टू प्लस एट इज इक्वल टू कितना आंसर बुआ, इसका आंसर इतना आएगा इस और में, अरे हाँ ये ना, हाँ सर समझ में आती बात, यहाँ पे मैथमेटिक है आपको पढ़ना पड़ेगा बुआ जी, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आया हमने क्या पढ़ाया, तो क्लियर ना, अरे हाँ या ना, हाँ सर समझ में आया हमको, इसलिए हमने पढ़ा रहे इधर, ओके नहीं समझ में आया तो आप नहीं पढ़ाते आज, क्लियर ना, क्लियर सर, हमको इतना दिया था दोनों इस द फोर्स, ओके दो दिए थे हमको इक्वेशन, हमने इसको क्या किया ऐड कर दिया और उसको क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्लियर है ना, और इस तरह से इसका 14 जूल इसका आंसर आएगा, जूल में इज अ साइट ऑफ एनर्जी, क्लियर है ना, क्लियर सर, छापो दिमाग में आप इतना, चलो समझ में आ गया उत्तर इसका, आ गया आंसर, चलो छापो। छप गया दिमाग में, ओके सर अगला क्वेश्चन बने पड़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हम पेश करते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ गार्डनर पुशेज अ रोड रोलर थ्रू अ डिस्टेंस 20 मीटर, सर आपला डिस्टन्स किती दिलेलं आहे सर जी, इथे सर आपला डिस्टन्स दिल एस इज इक्वल टू डिजिकल 20 मीटर एस और नो, यस सर अप्लाइड फोर्स आपल्या फिजिकल दिले आपला 20 के जी नॉट न्यूटन, क्लियर ना, क्लियर सर, डायरेक्शन इनक्लाइंड एट द एंगल बिटवीन दे हमको 60 डिग्री, फाइंड द वर्क डन हमको ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्लियर ना, क्लियर सर जी, क्लियर, हमने बचपन में पढ़ा था कि या फिजिकल टू क्या होता है बुआ जी, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसका एसआई होता है क्या यूनिट न्यूटन होता है न्यूटन, क्लियर ना, यहाँ पे हमको दिया है केजी, तो क्या करेंगे इसका कन्वर्जन करेंगे, किसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिजिकल टू क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 न्यूटन आंसर से इसका, इसका तो समझ में आ गया, अरे हाँ या ना, हाँ सर जी हमको क्या इधर इधर हाँ हमको फोर्स हा के जी मध्य दिला होता, अपन रूपांतर न्यूटन मध्य केलं, कारण की आपण शिकलो आहे की फोर्स युनिट काय असते साहेब युनिट न्यूटन असत, तर आपला के जी रूपांतर न्यूटन मध्ये करायचंय, तर याला आपण धार गुणावं लागल सर जी, उत्तर किती 200 न्यूटन होत, आलं सर 200 न्यूटन आलं सर जी, इज अ फोर्स, क्लिअर ना, अरे हा या ना, हा सर कटिंग इसको हम छपला दिमाग को इतना समझ में आया ना, आंसर आया सर आया, यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज और नो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम इज अ कॉस थीटा, क्लियर ना, अरे हाँ या ना, हाँ सर देयर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका दिया 20 into 20 into कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे हम लिखे कॉस 60 यानी कि हमारा ये कॉस थीटा, क्लियर ना, इसकी वैल्यू होती बुआ जी 1/2, कितना आंसर आएगा यहाँ पे ओनली 10, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना यहाँ पे देयर फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू 200 into 10 2K 2000, क्लियर ना, इसका जी आंसर आएगा 2000 जूल, व्हाट इज जूल, जूल का नाम क्या है बुआ जी, जूल द महान शास्त्रज्ञ सर जी, क्लियर ना, क्लियर सर, आंसर यहाँ पे आएगा इसका कितना 2K यानी कि 2000 जूल, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी बुआ जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ला सर आपण खत्म ही करू शकत नाही आणि निर्माण ही करू शकत नाही, फक्त आपण सर जी ऊर्जेचं एका रूपांतरामधून दुसऱ्या रूपांतरा म्हणजे सॉरी एका ठिकाण दुसऱ्या ठिकाणी तो म्हणजे सॉरी चुकलं
एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमामध्ये आपण सर जी एनर्जी रूपांतर करू शकतो. एस ऑर नो, एनर्जी इज अ गॉड. क्लिअर ना? क्लिअर सर. कितना आंसर इसका आएगा? 2K यानी कि 2000 जूल. और छापा दू मैं आपको, छापो. चलो यह था हमारे इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन पेपर का तीसरा लेक्चर. तो मिलेंगे यहाँ पे हम अगले लेक्चर में. जय हिंद, जय भारत.